आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। हाँ, कहोगे कि एकदम से रिव्यू करने वाले चैनल कहाँ से इस चीज़ में आ गए। यार, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें लगती हैं जब भी कोई भारत में एक नई पॉलिसी जो काफ़ी टाइम से सेम चल रही थी, मतलब 1986 से 2020 तक 34 साल तक कोई बदलाव नहीं किया गया है एजुकेशन में, और फिर अब एजुकेशन में बदलाव किया गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हुई कि पहले तो इसको जानूं कि चीज़ें क्या हुई, फिर ये इच्छा हुई कि आप लोगों के साथ में मैं चीज़ें शेयर करूं। तो थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 1968 के अंदर आई थी, कोठारी कमीशन ने 1964 के अंदर अपनी रिकमेंडेशन दी थी, तो उसके अकॉर्डिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 1968 के अंदर इंप्लीमेंट किया गया था। फिर जो इंदिरा गांधी जी के टाइम में आई थी, फिर उसके बाद 1986 में इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई जो राजीव गांधी जी के टाइम में आई, और अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है वो नरेंद्र मोदी जी के टाइम में आई है। और ऐसा नहीं है कि ये पॉलिसी रातों रात बन गई, ये एकदम से चीजें कि भी आपने एकदम उठे सुबह तक और आपको पता चले कि एक नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई, ये रातों रात नहीं बनी भाई, इसको टाइम लगा है। 2016 में सुब्रमण्यम कमीशन एक कमेटी का गठन हुआ था उनको इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, बट फिर दोबारा से एक डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जो एक एमिनेंट साइंटिस्ट है इसरो के, उन्होंने उनके उनके चेयरमैनशिप में एक कमेटी का गठन हुआ 2019 में। तो ये 2016 से चीज़ें चल रही थी, अब जाके 2020 में ये चीज़ें आई हैं। तो कोई चीज़ चुटकी बजाते नहीं आती, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई, उसके बारे में पहले चीज़ों के बारे में डेवलप करने के लिए बहुत लोगों से डिस्कस किया गया, करीबन करीबन 2 लाख लोगों से। हाँ, आप सोचोगे कि यार आपसे बात नहीं की गई, मुझसे बात नहीं की गई, भाई ये लोग विद्वान लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, यूनिवर्सिटीज़ के वो चांसलर हैं, वाइस चांसलर हैं, उनसे बुद्धिजीवियों से बात की गई, तो उनसे बात की जाती है, हम लोगों से बात नहीं की जाती। तो करीबन 2 लाख लोगों से ये बातें हुई कि हाँ आप क्या सोचते हैं, आप सजेस्ट करें हमें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कौन सी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी चाहिए, क्या चीज़ें वो डालनी चाहिए। तो इन सब को लेकर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है। और इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहूँगी कि एग्जिस्टिंग एकेडमी स्ट्रक्चर जिसको सिर्फ और सिर्फ 3 ही ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया गया है, जो अब तक हमारे सिस्टम में चलता आ रहा था, प्लस टू जिसे हम स्ट्रक्चर कहते थे 10+2, और अब जिसे बदल कर 5+3+3+4 कर दिया गया। अब काफ़ी सारे ये सोचेंगे कि यार पहले हम 12 साल तक ही पढ़ाई करते थे और अब देखें तो 15 साल की 15 साल हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, यानी 3 साल ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, मतलब हमें और पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है यार, जैसा पहले था वैसा ही, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग जो था, मतलब आप पहले भी 15 साल ही पढ़ते थे और अब भी इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी 15 साल पढ़ोगे। जो स्टार्टिंग का जो फाउंडेशनल जो कोर्स है एक तरीके से फाउंडेशन पे, उसको एक स्ट्रक्चरली रूप दे दिया गया है इस बार, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार उसको आंगनवाड़ी बाल बाल वाटिका, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर रूप दे दिया गया है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे इसके अंदर लगी कि फाउंडेशनल स्टेज जिसमें सेकेंड क्लास तक जो बच्चा रहेगा 8 साल तक होने का, तो सेकेंड क्लास तक कोई भी पेपर नहीं होगा, यानी जो पेपर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे किसी का टेस्ट लेने होगा वो इंट्रोड्यूस होंगे क्लास 3rd से। ये काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया। और इसी के साथ एक और चीज़ जो थी कि भी अब एजुकेशन जो है वो, जैसे राजस्थान से है कोई तो राजस्थान की जो रीजनल लैंग्वेज है उसके उसमें जो है वो एजुकेशन दी जाएगी, बट इसके लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म है। 2 चीज़ों में ये चीज़ें डिवाइड हुई हुई हैं कि एक तरीके से अगर इंग्लिश अब किसी पर थोपी नहीं जाएगी, बट एक जो क्रिटिसिज्म करने वाले हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर इंग्लिश को हम इतना इम्पोर्टेंट नहीं देंगे तो कम्पीट कैसे कर पाएंगे बाहरी वर्ल्ड में, क्योंकि एक इंग्लिश जो है वो वर्ल्ड लैंग्वेज के तौर में आ रही है। तो इस चीज़ को लेके क्रिटिसिज्म भी देखा जा रहा है। फिर आता है मिडल स्टेज 6th 7th 8th क्लास का, और यहाँ पर जो चीज़ जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो है कोडिंग, मतलब हर किसी के लिए कोडिंग कंपलसरी है। यार जो चीज़ हम बीटेक में यानी ग्रेजुएशन के दौरान चीज़ें सीखते हैं, वो चीज़ें बच्चों को 6th ग्रेड से स्टार्ट कर देंगे वो सिखाना, मतलब तो कितनी चीज़ें चेंज होने वाली हैं आने वाले टाइम में। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत एक इनोवेटिव चीज़ लाई गई है, उसमें इनोवेटिव चीज़ में क्या है कि
कि 10 दिन का बिना बैग के, मतलब कुछ टाइम के लिए, 6th 7th 8th में ऐसा टाइम, कुछ दिनों के लिए ऐसी चीजें चलाई जाएंगी कि 10 दिन के लिए बच्चे को बिना बैग स्कूल आना होगा, और इस बिना बैग के स्कूल आने का मकसद होगा उन्हें वोकेशनल एक्सपीरियंस करवाना, मतलब कि वोकेशनल एक्सपीरियंस मतलब कि एक्स्ट्रा चीजें सिखाना। एक्स्ट्रा चीजें सिखाने के अंदर मतलब कि प्लम्बर का, कारपेंटर का, या फिर कुछ और आर्टिस्ट वर्क सिखाना इनको। मतलब ये अगर सिंपल भाषा में बताऊं कि 8th ग्रेड के बाद बच्चे के पास ऐसी स्किल होगी कि वो अपना काम कर सकता है, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। यानी एक एडवांस चीज है यार, बच्चे को कोडिंग सिखाई जाएगी, बच्चे को एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम से हट के कुछ चीजें वहां पर सिखाई जाएंगी, वोकेशनल चीजें वहां सिखाई जाएंगी। तो एक एडवांस लेवल की चीज जो यार कमाल की चीज इंट्रोड्यूस की गई है। और जो लास्ट में जो इन्होंने 9th से लेके 12th का जो एक इन्होंने जो पैटर्न चेंज कर दिया, जो हमारे जो एग्जिस्टिंग पैटर्न था, जो हमने प्लस 2 का देखा था जिसके अंदर 3 स्ट्रीम होती थी, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, ये जो 3 स्ट्रीम होती थी, अब इसको बदल कर मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी के अंदर लेके आ गए। इसके मतलब क्या है कि भी अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है तो आप फिजिक्स पढ़ो, आप जरूरी नहीं है कि जब साइंस ले जाते थे तो उनको केमिस्ट्री भी जरूरी हो जाती थी, अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है तो आप फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स के साथ आप दूसरी स्ट्रीम का कोई भी अन्य सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा एक दरवाजे ओपन कर दिए हैं। अब तो ये है कि इन्होंने अपॉर्चुनिटी दे दी है, अब अपॉर्चुनिटी लेने वाले चाहिए। अब वो गधे हैं अगर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाते हैं। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ने तो बहुत रास्ते खोल दिए कि अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप उस पर फोकस करिए, आप 9th से 10th 11th 12th। तो यहाँ पर जो चीज़ें, अगर आपको फिजिक्स पढ़ी है तो इन 4 साल आप फिजिक्स पढ़िए, आपको अगर आपकी पसंदीदा है, आपको केमिस्ट्री पसंद नहीं है तो आप केमिस्ट्री पढ़िए, उसके साथ कोई और एक्स्ट्रा दूसरी स्ट्रीम का सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो वो पढ़िए। जो अब तक चीज़ें हमारे क्यूरिकुलम में नहीं थी, वो अब ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करके कहेंगे कि यार बहुत ज़्यादा अमेरिका में जो चीज़ें एडवांस लेवल पर चलती हैं वो अब इस देश में इंट्रोड्यूस की जा रही है। बहुत चीजें यार, जो ये 2020 पॉलिसी है, एक तरीके से ऐसा लगता है कि यार फिर से एक बार पास्ट में जाके, ये अभी तो इम्प्लीमेंट होने में इसको 1 से 2 साल लग जाएंगे, बट फिर भी मन कर रहा है कि एक बार जब ये इम्प्लीमेंट हो जाए, इसको लाने में सही ढंग से, तो एक बार जब इम्प्लीमेंट हो जाए तो वापस पास्ट में जाके इस क्यूरिकुलम के द्वारा यार फिर से पढ़ाई की जाए। क्योंकि यार अब जब मैं सोच रहा हूँ कि आने वाली जो जनरेशन है वो किस तरीके से डेवलप होने वाली है, किस तरीके से देश के लिए काम करने वाले हैं, तो यार अब ये चीज़ें तो अभी इन्होंने दिखाई तो बहुत अच्छी हैं, बट मेन जो कंसर्न है वो है कि इनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। अगर इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से होगी तो कह सकते हैं कि हाँ, ये जो स्ट्रेटेजी है बहुत सक्सेसफुल होगी। और जो इसके अंदर जो सिखाया जो जाएगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई ये सब चीज़ें, कि इसके अंदर एथिक्स, सेल्फ आइडेंटिटी, एटिकेट, बिहेवियर, इमोशनल डेवलपमेंट, आर्ट, क्राफ्ट एंड म्यूजिक, रिलेशनशिप विद नेचर, बहुत सारी चीज़ों को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। और जो 9th 10th 11th 12th, आप सोचें कि इसके अंदर क्या बोर्ड एग्जाम खत्म कर दिए गए, ऐसा नहीं है। बोर्ड एग्जाम इसमें एग्जिस्ट है, अभी इनको खत्म नहीं किया गया, और बट हाँ, इनको रीडिजाइन किया जाएगा बहुत एक सिंपल स्ट्रक्चर के साथ। और साथ ही साथ इसके अंदर जैसे एक असेसमेंट की नई चीज इसमें ऐड की गई है, सेल्फ असेसमेंट, यानी आप अपने आप को कितना नंबर देते हैं, आप अपने आप से कितने सेटिस्फाई हैं, आपने कितना सीखा स्कूल से। और दूसरी जो चीज है, आपके दोस्त आपको असेसमेंट नंबर देंगे, आपको जज करेंगे एक तरीके से, कह सकते हैं कि वो नंबर देने वाले हैं। तो अब इससे क्या फायदा होगा, आपको अपनी क्लास के साथ बना के रखनी पड़ेगी। अब वो जो बच्चे होते थे ना कि अब छुप छुप के पढ़ते थे, वो बताते नहीं थे कि किसने कौन सी ट्यूशन लगा रखी है, कौन कहाँ पढ़ रहा है, कौन, झूठ बोल देते थे यार तेरे भाई ने तो पढ़ाई की नहीं, और पीछे से देखो तो वो सारी चीजें पढ़ाई करके। अब वो चीजें नहीं चलने वाली हैं, अब भाई साहब एकदम बिल्कुल आपको उसके साथ मित्रता रखनी पड़ेगी, अगर आपने मित्रता नहीं रखी तो वही आपके नंबर वो काटने वाला है। यार ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा इसलिए भी पर्सनली पसंद आई कि अब जो कंपटीशन, जो बच्चों के अंदर जो चीज़ चला दी गई थी, अब वो कंपटीशन ना रहकर एक साथ मिलजुल के वो चीज़ करने वाली होगी। अब कंपटीशन जो, मैं जो सोचता हूँ कि अब कंपटीशन नहीं होना चाहिए, अब बच्चे जो हैं, क्योंकि नंबर जो है उसके क्लास के ही देने वाले हैं, तो अपनी क्लास के साथ वो बैठकर बात करेगा, पहले अकेले होती थी, अब मिलकर पढ़ाई होने वाली है। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का इसके अंदर यूज किया जाएगा, जैसे वर्चुअल लैब बनाई जाएगी। वर्चुअल लैब का मतलब है कि आप मतलब जैसे वीआर होता है, वीआर गेमिंग कभी किया है तो, या फिर जिस जैसे गेम खेलते हैं, तो उसके अंदर लैब होगी, उसमें
जो भी केमिकल होंगे उस केमिकल से क्या रिएक्शन होगा वो वहां पर उस गेम के दौरान आपको पता चलेगा, और साथ ही साथ ई कंटेंट अवेलेबल होगा 8 रीजनल लैंग्वेज के अंदर। आप जो भी लैंग्वेज मतलब 8 लैंग्वेज के अंदर जो हिंदी के अंदर इंग्लिश के अंदर जो ये चीज़ें हैं इसके अंदर रीजनल लैंग्वेज के अंदर घर पर बैठ कर आप आसानी से इनको एक्सेस कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई हैं। जो ब्लाइंड हैं जो देख नहीं सकते उनके लिए नए रिफॉर्म इसके अंदर लाए गए हैं। और अब हायर एजुकेशन की बात करूं तो हायर एजुकेशन को 3 या फिर 4 इसके स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया है। 3 ईयर का स्ट्रक्चर मतलब कि जिसको सिर्फ और सिर्फ जॉब चाहिए उसको रिसर्च से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ जॉब करना चाहता है तो वो 3 साल की डिग्री लेगा, वो जॉब करने में लग जाएगा। फॉर एग्जांपल जिसको आईएएस के लिए तैयारी करनी है तो वो क्यों 4 साल पढ़े, उसको 3 साल से उस ग्रेजुएशन से काम चल सकता है तो वो 3 साल पढ़कर अपनी आईएएस की तैयारी कर सकता है। बट जिसको रिसर्च में जाना है वो 4 साल के लिए वो रिसर्च करेगा, फिर उसके बाद आगे की स्टेज आती है। अब ये जो है यहाँ पे मल्टी लेवल इन्होंने एग्जिट पॉइंट और मल्टीपल इन्होंने एंट्री पॉइंट रखे हैं। इसको मैं थोड़ा क्लेरिफाई करूँ कि सपोज आपने ग्रेजुएशन स्टार्ट करी, आपको वो ग्रेजुएशन आपने 1 साल पढ़ी, आप अभी उस 1 साल के दौरान आप पढ़ चुके हो और अब आपका मन नहीं है कि मैं इसको कंटिन्यू रखूँ, मैं एक बार रेस्ट करना चाहता हूँ, या फिर कोई घर में कोई ऐसी मजबूरी है आपको छोड़नी पड़ गई पढ़ाई, तो वो चीज़ आपकी ख़राब नहीं जाने वाली, आपको 1 साल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अब 2 साल बाद अब जब भी आकर उसी चीज़ को दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप कर सकते हो और आपको सेकंड ईयर में ही एडमिशन मिलेगा। और फिर से अगर आप सेकंड ईयर में छोड़ कर जाना चाहते हो तो आप सेकंड ईयर में फिर से छोड़ कर जा सकते हो, और अब यहाँ पे आपको डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाएगा। और फिर अगर आप लोग फिर से 2 या 3 साल बाद फिर ज्वाइन करना चाहते हो आप फिर से ज्वाइन आके करिए, आपको 3 साल बाद फिर डिग्री दी जाएगी, फिर उसके बाद रिसर्च वाली डिग्री आपको मिल जाएगी 4 साल बाद। तो इन्होंने मल्टीपल एग्जिट पॉइंट और मल्टीपल एंट्री पॉइंट ये जो इतना ज़्यादा इन्होंने फ्लेक्सिबल कर दिया, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीस्टिक हम कहेंगे कि पढ़ाई कर दी कि अब ये जो चीज़ें हैं कि सामने जो है एक गुलाब जामुन की पूरी थाली रखी हुई है आपके सामने है, आप इसे खा सकते हो या नहीं खा सकते हो, मतलब आपके सामने अपॉर्चुनिटी है। अब ये बच्चे पे डिपेंड करता है कि बच्चा इसको कितना ग्रैप कर पाता है या नहीं। और एक और जो इंटरेस्टिंग इसके अंदर चीज़ थी कि इस अब तक जितना भी हमारी जो स्टडी के ऊपर खर्च किया जा रहा था वो GDP का 3-4% ही हो रहा था, 4% तो बहुत रेयर था, मैक्सिमम अप्रोक्सीमेट 3% तक ही खर्च हो पाता था। कोठारिया कमीशन ने 1964 के अंदर ये बात बोल दी थी कि भी अगर जब तक हम हमारे GDP का 6% अगर खर्च नहीं करेंगे तो ये देश जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा शिक्षा के क्षेत्र में, ये पीछे ही रहेगा। जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो अपने GDP का बहुत ज़्यादा परसेंटेज खर्च कर रही हैं एजुकेशन के ऊपर, अगर भारत ये चीज़ें नहीं करेगा तो ये पीछे रहेगा, और ऐसा हुआ भी। लेकिन अब आज की डेट में जो ये हुआ है, आज ये 6% कर दिया गया है 2020 के अंदर, बहुत बड़ी चीज़ होती है यार, GDP का 6% जो है वो एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा। और साथ ही साथ रास्ते खोल दिए गए हैं टॉप 100 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं यहाँ पर आके अपने कैंपस जो है वो एस्टेब्लाइज कर सकती हैं। अब ये जो चीज़ थी वो UPA गवर्नमेंट 2010 में ये चीज़ लेके आने वाली थी, लेकिन उस वक्त की अपोजिशन पार्टी BJP ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि अगर बाहर की यूनिवर्सिटीज़ अगर देश में आएंगी तो वो देश में आकर यहाँ के जो पब्लिक टीचर हैं लेक्चरार हैं उनको ज़्यादा पैसे देकर अपनी यूनिवर्सिटी में ले लेंगी, और जिससे क्या है कि पढ़ाई की जो कीमत है एजुकेशन जो है वो महंगी हो जाएगी, और जिससे एक वर्ग जो है बहुत बड़ा वर्ग हमारे देश में मिडिल इनकम या उससे भी लो इनकम वाले हैं वो उस एजुकेशन को ले नहीं पाएंगे। तो ये करके उन्होंने जब तर्क दिया था, अब जो उस तर्क के ऊपर अब इन्होंने अपना स्टैंड जो चेंज किया काफ़ी अच्छी चीज़ है कि बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको लाया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ 9th से 12th तक कि वहाँ पर ऑप्शनल में रखी जाएंगी डिफरेंट लैंग्वेज जैसे जर्मन फ्रेंच, ताकि बच्चा इन अदर लैंग्वेज को भी चीज़ों को भी वो सीख सके। और मेरी रिकमेंडेशन तो यही रहेगी कि बच्चा इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर ग्रैब करे यार, बहुत बड़ी चीज़ होती है। इतनी एडवांस कहूँगा कि न्यू पॉलिसी लेकर आए हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। अब जेलसी फील हो रही है यार, मेरे टाइम में वो चीज़ नहीं थी, लेकिन जो है देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आने वाले टाइम में बच्चों का एक तरीके से बहुत
क्रिटिकल थिंकिंग के तौर पर वो उभर के सामने आने वाले हैं। सेल्फ असेसमेंट जो ये होती है वो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए काम करती है। तो बस अब देखना ये है कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, किस ढंग से इस चीज़ को लेके जाया जाएगा। और मेरे राय में तो अब जब तक सेंटर जो है वो स्टेट के साथ सही ढंग से काम नहीं करेगी, इस चीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, तो अब सेंटर को ज़रूरत है कि वो स्टेट के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके साथ काम करें, तभी इस चीज़ को जो इन्होंने सपना दिखाया है वो इस चीज़ को पूरा किया जा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।